2017 में सवाल पूछा था तिस्ता नदी के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तिस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर गुजरती है। रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तिस्ता की एक सहायक नदी है। तिस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। आइए तिस्ता के बारे में जान लें। तिस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। यह पूर्वी हिमालय के पहुनरी पर्वत पर स्थित तिस्ता कांगसे ग्लेशियर से निकलती है जो भारत के सिक्किम में है। तिस्ता नदी सिक्किम से निकलते हुए पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में प्रवेश करती है। उसके बाद यह बांग्लादेश में जाती है जहां तिस्ता ब्रह्मपुत्र से मिलती है। इसी संगम के बाद ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं। तिस्ता की प्रमुख सहायक नदी सिक्किम में रंगपो, रंगीत, रेली, रानीखोला आदि हैं। नदी की कुल लंबाई है लगभग 414 किलोमीटर, जिसका लगभग 70% हिस्सा भारत में बहता है। 2011 में भारत और बांग्लादेश के बीच तिस्ता पर 15 साल के लिए अंतरिम संधि हुई थी, लेकिन पश्चिम बंगाल ने इस पर आपत्ति जताई तो इसे स्थगित कर दिया गया।